महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण पल पल बदल रहे हैं। एक बार फिर मंगलवार दोपहर कांग्रेस एनसीपी के बीच होने वाली बैठक टल गई है और इसके पीछे तर्क दिया गया कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती के होने के चलते कांग्रेसी नेता व्यस्त हैं। अब खबर है कि राज्य में सरकार बनाने को लेकर दिल्ली में कल शाम 5 बजे कांग्रेस एनसीपी नेताओं की बैठक होगी, जिसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बन सकती है। वहीं सरकार बनाने को लेकर संजय राउत का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बनेगी, जब बनेगी तो आप मुझे सवाल पूछिए। सरकार बनने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, और उस प्रक्रिया से सरकार बनेगी। राष्ट्रपति शासन है, वो हमने नहीं लगाया है। सरकार बनाने के लिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी, वो भाग गए। वो चाहे तो सरकार बना सकते थे, हमने कहा बनाइए। अब अगर सरकार नहीं बनी है और राष्ट्रपति शासन है, तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि हमारा स्टेट है तो एक पॉपुलर गवर्नमेंट वहाँ बने। उधर भाजपा और शिवसेना के बीच जारी झगड़े को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहत दी है। इशारों ही इशारों में नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि झगड़े से दोनों को नुकसान होगा। सब जानते हैं कि आपस में झगड़ा करने से दोनों की हानि होती है, लेकिन आपस में झगड़ा करने की बात अभी तक बंद नहीं हुई है। सब जानते हैं कि स्वार्थ ये बहुत खराब बात है, लेकिन अपने स्वार्थ को बहुत कम लोग छोड़ पाए। बहरहाल शिवसेना और कांग्रेस की कवायद पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का पावर प्ले भारी पड़ रहा है। पवार बार बार अपना रुख बदल लेते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।